नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अपना करिकुलम डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 3 की। और ये यूनिट नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं उन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप सभी को बताया कि डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD करिकुलम डेवलपमेंट आपका 5वां पेपर है और 5वें पेपर का यूनिट 1 और यूनिट 2 इनको भैया अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 पर। इसके अनुसार आपका यूनिट 3.1 क्या कहता है उस पर बात करेंगे। देखिए, यूनिट 3 में क्या है, ASD के जो बच्चे हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए पाठचर्या विकास इस पर बात होगी आपके यूनिट 3 में। और उन बच्चों के लिए 3.1 में क्या कहा गया है, पर्सपेक्टिव टॉकिंग और आपका स्क्लूटिव फंक्शनिंग, यानी कि परिपेक्ष सीखना और आपका कार्यात्मक कार्य करना अपने किन किन बच्चों के लिए है, ASD बच्चों के लिए पाठचर्या विकास में है। तो हम कहेंगे परस्पेक्टिव जो आपका टॉकिंग होगा, परिपेक्ष सीखना होगा आपका, उसमें जो व्यक्ति होंगे उनके विचार, उनका विश्वास, उनकी इच्छा, इनका अनुमान लगाना और इस अनुमान लगाने की क्षमता और जानकारी का उपयोग करने की क्षमता, इसको परिभाषित किया जाएगा। उन्हें व्यवहार की समझ बनाने में भविष्यवाणी की जाएगी। हाउलिंग परिपेक्ष उदाहरण के साथ अगर हम कह सकेंगे तो जैसे इशारों को पढ़ना, जवाब देना, श्रोता की रुचि व स्तर को पढ़ना, वक्ता को इंगित करना, धोखा देना, धोखे को समझना, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सपेक्टिव टॉकिंग के अंतर्गत आएंगी। इसमें ट्रेडिशनल डेफिनेशन अगर हम कह सकेंगे, पारस्परिक परिभाषा, तो कहेंगे मस्तिष्क के प्रीकोष्ठ क्षेत्र में स्थित मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संलग्न होता है। जो मस्तिष्क है उसके प्रीकोष्ठ क्षेत्र में मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए संलग्न होता है। इसका अर्थ है सब कुछ अपने प्रतिदिन के व्यवहार को प्रतिबंधित करा जाए और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के लिए सामान्य कार्यकारी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाए। इसमें आपका कार्य करना, कार्य स्मृति इसको हम लोग कह सकते हैं, वर्किंग मेमोरी इसको कहते हैं, आपका ध्यान, अटेंशन, निषेध, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, योजना बनाना यानी कि प्लानिंग बनाना, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान, इतनी चीज़ें आपकी यहाँ पर होती हैं। जो भी आपके ऑटिज़म से पीड़ित छात्र हैं जो भी आपके ऑटिज़म से पीड़ित छात्र हैं
इन छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण से सीखने के लिए सामाजिक भावात्मक विकास का समर्थन करने की दिशा को प्रदान किया गया और इस प्रकार की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए जिनका उपयोग अपनी कक्षा में किया गया, इसके लिए आप कह सकते हैं कि एक शिक्षक जो हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं इन छात्रों के साथ काम करते हैं। ये शिक्षार्थी अक्सर सामाजिक भावात्मक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं। अगर ऑटिज़म से बच्चा पीड़ित है तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, सामाजिक संकेतों को पढ़ना और दूसरे के साथ सार्थक पारस्परिक संबंध को बनाए रखना, इससे क्या होगा कि बेहतर सामाजिक कौशल बच्चे का वो विकसित होगा और सोच क्षमता इसका विकास हो सकेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि यदि ऑटिज़म बच्चा है तो धीरे धीरे हम बच्चे को सिखा सकते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी देखने को मिलेगी जहां पर ऑटिज़म बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीख रहा होगा या उसके कार्य करने के स्तर और कार्य करने की क्षमता को निर्देशित करेगा। अगर बच्चा ऑटिज़म है तो ऑटिज़म बच्चे के लिए जो भी तथ्य विवरण और जो उनकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इनको बेहतर बनाया जाएगा, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और जो इनका कार्य होगा करने के लिए, योजना बनाने के लिए, स्मृति तक पहुंचना, समस्या समाधान विधि, मौखिक तर्क, बाहरी विचारों को रोकना, मानसिक लचीलापन और विचारों को स्थानांतरित करने की जो क्षमता है वो आपकी यहाँ पर पाई जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके प्लानिंग यानी कि नियोजन की। नियोजन का कार्य ही है या जो आपकी प्लानिंग है इसका कार्य ही है बच्चे को लक्ष्य तक पहुँचाना, बच्चे को लक्ष्य तक पहुँचाना। इसके लिए आगे बढ़ाने, सोचने और चुनने की आवश्यकता होगी, सही क्रम को तय करने की आवश्यकता होगी, उचित संज्ञानात्मक जो कौशल है उसको स्थापित करने की क्षमता और जो भी हमारे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे हैं इन पर रहने वाले अपने जो छात्र हैं इनके कार्य को पूरा करना, व्यवस्थित वर्गों में बांटना, योजना बनाना, प्लानिंग करना, इसमें कठिनाई ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद में समस्या समाधान के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत समस्या को हल करने की क्षमता को पहचाना जाएगा। जो भी हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं इनकी जो समस्या है इसको हल करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। समस्या समाधान कह सकेंगे जिसमें तर्क, ध्यान, योजना, स्मृति इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा और बच्चे की जो समस्या समाधान की क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा। वर्किंग मेमोरी, जो भी हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं इनकी ताकत क्या है, इनकी मेमोरी कितना बेहतर कार्य कर रही है, इनका नाम हुआ, सीरियल नाम नंबर हुआ, इनका घर का पता हुआ, या कह सकते हैं ब्रश करने के चरण, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके वर्किंग मेमोरी के अंतर्गत आएंगी। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, इनको बच्चा याद करने की क्षमता का विकास किया जाएगा। और बच्चे में मैंने बताया था बच्चे में ध्यान कौशल की बहुत ज़्यादा कमी होती है, यानी कि अटेंशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो जब बच्चे में बच्चा अगर ऑटिज़म है ASD है तो इनमें जो है ध्यान कौशल की बहुत ज़्यादा कमी होगी। और अगर बच्चे में ध्यान कौशल की कमी है तो कह सकते हैं कि इस ध्यान कौशल की जो
कमी है इसका प्रदर्शन। एचडी वाले बच्चों के लिए ध्यान केंद्रित करना, उस पर फोकस करना, और जो भी अगर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी भी कमरे में या किसी भी गंध को सुंघाया जा रहा है तो उस पर उस व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करना अल्पकालीन स्मृति के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका अटेंशन के अंतर्गत आएगा, यानी कि जो भी हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं, गंभीर रूप से ऑटिज़म बच्चे हैं, इनकी ताकत को समझा जाए, पहचाना जाए, और जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है उसका विकास किया जाए, बच्चे फोकस कर सकें। इसके बाद में रीज़निंग की अगर हम लोग बात करते हैं, रीज़निंग की, तो रीज़निंग का कार्य ही है मौखिक तर्क, अवधारणाओं को, मौखिक तर्क या अवधारणाओं को समझना, मौखिक तर्क या अवधारणाओं को समझना, गंभीर रूप से सोचने की क्षमता का विकास करना, और मौखिक तीक्ष्णता के साथ में सामाजिक अर्थों को बेहतर बनाना, आत्म केंद्रित करना। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑटिज़म बच्चे के अंतर्गत आएंगी, जो बच्चे के लिए उनके विचारों के साथ में, या हम कह सकते हैं जो भी परियोजना बनाई जाएगी, बच्चे इन सभी चीज़ों का सामना कर पाएंगे। जो भी असाइनमेंट बनाया जाएगा बच्चे के लिए, परियोजना बनाई जाएगी, उसमें बच्चा सामाजिक कार्य को बढ़ावा मिल सके, बेहतर रूप से बच्चा कार्य कर सके, चित्र के माध्यम से कार्य कर सके, अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सके। और एचडी वाले शिक्षार्थियों के लिए, जिन्हें दूसरे के विचार और विश्वास, उद्देश्य की पहचान करके जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सके, कह सकेंगे कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे में अद्वितीय होता है। इसके लिए जो भी वीडियो मॉडलिंग है उसको कराया जाए, और जो भी बुनियादी घटक हैं बच्चे के, बुनियादी घटक हैं, इनको शामिल किया जाए, जिसमें शिक्षार्थियों को पढ़ाया जा रहा हो, मॉडल को बनाया जा रहा हो, जो भी टेप रिकॉर्डर है उसके द्वारा बच्चे को सिखाया जा रहा हो, या वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से बच्चे को बेहतर बनाया जा रहा हो, शिक्षार्थी को व्यवहार प्रदर्शित अगर किया जा रहा हो रहा है तो वीडियो मॉडलिंग के माध्यम से, या कह सकते हैं छात्रों के लिए आवश्यकता के अनुसार, उनकी सुविधाओं के अनुसार स्मार्टफोन, वीडियो रिकॉर्डिंग, इनके अनुसार बच्चे को सिखाया जाए। सभी छात्र को पाठ्यक्रम के अनुसार चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ, और शिक्षार्थी की क्षमता को बहुत प्रभावित यही सारी चीज़ें बनाएंगी, जिसमें बच्चे के लिए मानसिक रूप से लचीलापन, भावनाएं, नियंत्रण, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी। तो भैया इतना आपका 3.1 में था, थोड़ा आवाज़ में थोड़ा धीमापन है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बोलते बोलते भैया गला जो है वो थोड़ा बैठ गया है, कह सकते हैं। 3.2 में कह रहा है कि आपका सामाजिक संचार कौशल, सामाजिक संचार कौशल, बातचीत और भावनात्मक विनियम। तो ये आपका क्या है, सामाजिक संचार कौशल और बातचीत और भावनात्मक विनियम। तो ये आपका 3.2 में सोशल कम्युनिकेशन स्किल की बात जहाँ पर की जा रही है, तो हम कहते हैं जो भी हमारे, क्योंकि आपको यूनिट 3 में केवल और केवल एएचडी के बारे में ही पढ़ना है, जो भी चीज़ें करनी हैं आपको ऑटिज़म बच्चे पर ही निर्भर करनी है। इसके अंतर्गत जो आपके ऑटिज़म बच्चे हैं, इनमें संचार कौशल की बात की जाएगी, और बच्चों के कम्युनिकेशन की बात की जाएगी, भाषा की बात की जाएगी, और भावनात्मक जो चीज़ें हैं उनकी बात की जाएगी।
कह सकते हैं कि हमारे जो ऑटिज़म बच्चे हैं इनमें भाषा कौशल विकसित करने में, समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। यह जो होते हैं अक्सर अशाब्दिक रूप से संवाद करने में भी इन्हें कठिनाई होती है, जैसे कि इशारों के माध्यम से, आँखों के संपर्क के माध्यम से, चेहरे के भावों के माध्यम से। तो इनके माध्यम से बच्चों में कठिनाई होती है। एचडी वाले जो बच्चे हैं इनके भाषा संवाद करने में कठिनाई। तो इसके लिए, इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए बौद्धिक और सामाजिक विकास जो है इसको बेहतर बनाया जाता है। एचडी वाले कुछ ऐसे छात्र हमारे जिनके लिए हम कह सकते हैं स्पीच यानी कि भाषण का उपयोग करने करवाएंगे और बच्चे को हम सक्षम बनाएंगे। बहुत सीमित बोलने का कौशल उसको विकसित कराएंगे, दूसरों के साथ में शब्दावली, और कह सकते हैं कि शब्दों के जो सुर लय ताल या शब्दों के अर्थ, इनको समझने में बच्चे काफ़ी असमर्थता दिखाते हैं, काफ़ी पिछड़ापन इनमें महसूस होता है। इसमें भाषा के उपयोग और व्यवहार के कुछ पैटर्न जो हैं वो लागू किए जाएंगे, जैसे बच्चे में दोहराव देखने को मिलता है, और कठोर भाषा देखने को मिलती है। यानी कि जो हमारा ऑटिज़म बच्चा होगा इसमें जो भी चीज़ वो बोल रहा है या संचार कौशल अगर कर रहा है तो वो चीज़ें जो हैं बार 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 दोहराव देखने को मिलता है। लगातार उन शब्दों को दोहराया जा सकता है, बच्चा दोहराता है जिन्हें वो एक बार में बोल रहा हो, एक बार बोल रहा है, फिर दोबारा बोल रहा है, तिबारा बोल रहा है, यानी कि नॉन स्टॉप वो 3 से 4 बार एक ही चीज़ को क्या करता रहता है, दोहराता रहता है। जो हमारे ऑटिज़म बच्चे होते हैं इनमें कह सकते हैं कि संगीत की जो प्रतिभा होती है वो काफ़ी बेहतर होती है, यानी कि गाना ये लोग बढ़िया तरीके से, उच्च तरीके से गाने को गा सकते हैं, और जो भी इनके में गणना करने की जो क्षमता होती है वो भी बेहतर होती है। इनकी जो रुचि होती है वो या तो गाना गाने में होगी या तो आपको ड्राइंग या पेंटिंग करने में इनकी काफ़ी अच्छी रुचियां होती हैं। इनमें कमी देखने को मिलती है तो भाषण में, या भाषा कौशल जो है इनका विकसित सही से नहीं होता। इनका कह सकते हैं कि अगर बच्चा किसी भी चीज़ में रुचि ले रहा है तो उसको बार बार करने का प्रयास करता है, कभी कभी सुनने की समस्या का भी इनमें अनुमान लगाया जा सकता है। खराब अशाब्दिक कौशल होगा, बातचीत कौशल जो होगा वो भी खराब होगा। एचडी वाले जो बच्चे हैं अक्सर इशारों का उपयोग कर सकते हैं, या अगर हम बात करें कि अगर भाषण बच्चा दिखा रहा है तो वे अक्सर असभ्य रुचियां, असावधानी, मौखिक भाषा कौशल, या जो भी हमारे एचडी वाले बच्चे होंगे, भावनाओं, विचारों, ज़रूरतों, इनको जानने और प्रयास करने के लिए कह सकते हैं कि प्रखरता दिखा सकते हैं। इसमें जो भी आपके एचडी वाले बच्चे हैं संचार कौशल में हम इनके सुधार कर सकते हैं। पढ़ने लिखने की पूरी क्षमता जो है इनके लिए आवश्यकता आ सकती है, और यदि बच्चा विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय में बच्चा बेहतर ढंग से जल्दी से सीखने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे के और भी सहपाठी होंगे। बच्चे की उम्र और रुचियों के अनुरूप संचार कौशल को संबोधित करना, सकारात्मक कार्यों के नियमित सुदृढ़ीकरण की पेशकश करनी चाहिए। अधिकांश बच्चे जो हमारे ऐसे हैं
जिसके लिए विशिष्ट कार्यक्रम के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। माता पिता या प्राथमिक देखभाल करने वाले जो परिवार हैं वो बच्चे के जीवन कौशल को बढ़ा सकते हैं। बच्चों में अगर हम बात करें जो हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं, इनके लिए हम कह सकते हैं जो भी कौशल पर काम किया जाए उससे दूसरों के साथ जुड़ना, अपनी बारी का इंतज़ार करना या हम कह सकते हैं कि नए खाद्य पदार्थ को स्वीकार करना, रुचियों का विस्तार करना, पढ़ने लिखने के जो कौशल हैं इनको सुधारा जा सके। ऑटिज़म से जो पीड़ित बच्चे हैं इनको कह सकते हैं कि लिखने पढ़ने इनमें मदद की जा सके और जो भी सकारात्मक कौशल है इनका अभ्यास कराया जाए। बच्चा संवाद कौशल में रणनीतियों को बनाया जाए और बेहतर सिखाया जाए। ऐसे ही बच्चे का इमोशन कौशल जो है या भावनात्मक विनिमय जो है वो बेहतर किया जाए। जब बच्चे का भावात्मक व्यवहार संबंधी समस्या जो है वो बेहतर हो पाएगी तभी बच्चा अनुकूलित ढंग से चीज़ों को सीख पाएगा और लक्ष्य की ओर निर्देशित हो पाएगा। इसके लिए रणनीतियाँ इनको अपनाया जाएगा। अगर बच्चा ऑटिज़म है तो भावात्मक उत्तेजना और प्रतिक्रिया जो है उसको बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन तनाव, चिंता, झुंझलाहट ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे में देखने को मिलती हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि प्रतिक्रिया है उस पर विचार किया जाए, लक्ष्य की ओर चीज़ों को निर्देशित किया जाए, नकारात्मक भावनाओं को दूर किया जाए और जो भी हमारे ऑटिज़म वाले बच्चे हैं इनकी भावात्मक विकास को प्रोत्साहित किया जाए। ऑटिस्टिक बच्चे अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रतिबंधित करने में कौशल का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है यहाँ पर यूनिट 3.3 जिसमें आता है स्वयं देखभाल। जो ऑटिज़म बच्चा है उसकी स्वयं देखभाल और व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वयं देखभाल और व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र जीवन इसकी बात होगी। जब भी हम कहेंगे स्वयं देखभाल यानी कि या व्यक्तिगत स्वच्छता, देखिए स्वयं देखभाल के अंतर्गत ही व्यक्तिगत स्वच्छता आती है। बच्चे को सजने संवरने का कौशल, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता या अभ्यास को आसान बनाता है। दूसरी ओर अगर बच्चा ऑटिज़म है तो बच्चा इन कौशलों को सीखने में काफ़ी चुनौतीपूर्ण घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो ऑटिज़म बच्चा है या ASD से पीड़ित जो बच्चे हैं इनके परिवार के सदस्यों को देखभाल करने वाले चिकित्सकों और जीवन दैनिक जीवन में अच्छी व्यक्तिगत स्वतंत्र स्वच्छता जो कह सकते हैं लागू करने के लिए कड़ी मेहनत का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें दिनचर्या और इंद्रियों को भी बेहतर बनाया जाएगा। जो भी जटिल कौशल या सकल मोटर कौशल हैं इनको भी सुनियोजित किया जाएगा और दैनिक स्वच्छता की जो आदतें हैं, जीवन कौशल हैं, इनको शामिल किया जाएगा। इसमें कह सकते हैं बच्चों का जो भी स्वदेखभाल है या व्यक्तिगत स्वच्छता है इसके अंतर्गत सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि बच्चे का सकल मोटर कौशल जो है वो विकसित होना चाहिए। इसमें बच्चे का नाखून काटना या कह सकते हैं कि टॉयलेट जाना, स्नान करना, ब्रश करना, स्वयं की देखभाल, जीवन के जो पहलू हैं सामाजिक अनुभव, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर इनमें बच्चा पिछड़ापन दिखा रहा है तो स्वयं की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है।
और ये ऑटिज़म बच्चे यहीं पर पीछे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन बच्चों के लिए पुरस्कारों का उपयोग करेंगे। जो ऑटिज़म बच्चे हैं इनके लिए स्वयं देखभाल के लिए, स्वच्छता महसूस कराने के लिए, बच्चे को साफ़ सुथरा दिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चे के पुरस्कार का उपयोग करेंगे। अगर बच्चा कार्य करता है, सीख रहा है, कौशल को बेहतर कर रहा है, तो हम उसको पुरस्कार के रूप में खिलौने, सामाजिक कह सकते हैं पुरस्कार, तो इन प्रकार के जो पुरस्कार हैं बच्चे को हम दे सकते हैं। अक्सर बच्चा जो पसंद कर रहा है चीज़ों को, हम पुरस्कार को अगर देते हैं तो बच्चा अपने कौशलों को याद करने में या कौशलों को करने में, उसको समझने में, उसको बेहतर बनाने में और इसकी स्मृति और प्रतिक्रियाओं का निर्माण करने में एक बेहतर कह सकते हैं कि अपना उपयोग कर पाएगा और बेहतर चीज़ों को बना पाएगा। इसके लिए हम लोग सामाजिक कहानियों का भी उपयोग कर सकते हैं, और वीडियो का भी उपयोग कर सकते हैं। कोई भी कहानी ऐसी है जो बच्चा सुनना पसंद कर रहा है, तो उसको वीडियो के माध्यम से सार्थक रूप से स्नान करने के लिए, या हो ऐसी कोई कहानी हो, या तस्वीरें दिखा करके बच्चे को कार्य करने के लिए या सीखते समय जो भी पसंदीदा व्यवहार है, मॉडल है, इसके माध्यम से हम लोग बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। और स्नान करने के लिए या हमारे स्वयं देखभाल करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए शैम्पू हुआ, साबुन हुआ, इन सभी चीज़ों का भी प्रयोग किया जाएगा। विजुअल चेकलिस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, विजुअल दिखा करके भी बच्चे को हम सीखने में बढ़ावा दे सकते हैं। दृश्यों और दिनचर्या के जो कार्य हैं इनको जीवन कौशल में बेहतर बना सकते हैं। मॉडलिंग का प्रयोग करके हम इन सभी कार्यों को बेहतर बना सकते हैं और सुरक्षित रूप से जो भी कार्य हैं इनको, नए कौशलों को बेहतर बनाएंगे और बच्चे के स्वच्छ रहने के लिए घरेलू कामकाज जो हैं इनको भी हम लोग बच्चे को अभ्यास कराकर सिखाने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर बच्चा ऑटिज़म है और बच्चे को हमें सिखाना है तो जीवन कौशल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IP बच्चे की बनाई जाएगी, माता पिता का देखभाल भी होना बहुत ज़रूरी, और जीवन कौशल सीखने में बच्चा कहाँ पर मदद कर रहा है, उसकी तैयारी क्या है, इसको भी हम समझ सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, आपका आएगा यूनिट 3.4 में कह रहा है लिटरेसी, यानी कि जो भी आपका अकादमिक है, एकेडमिक्स या अकादमिक हम कह सकते हैं, अकादमिक यानी कि शिक्षाविद जो होगा वो आपका साक्षरता की बात करेगा, साक्षरता और संख्यात्मक कौशल की बात की जा रही है। तो हम कहेंगे जो भी ऑटिज़म बच्चे हैं इन बच्चों के शैक्षणिक विकास की जांच के लिए उच्च शिक्षा, स्वतंत्र जीवन और रोज़गार के अवसर बच्चे को मिल सकें, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ाना ही है, बच्चे को लिखाना ही है, तो हम उससे बच्चे को रोज़गार के अवसर दे सकें, बच्चे की जो शैक्षिक उपलब्धि है बच्चा प्राप्त कर सके। इसके लिए बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या बच्चे को एकेडमिक चीज़ें, लिटरेसी बढ़ाने के लिए, साक्षरता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे। जो भी हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं इनके दृश्य कौशल का विकास करेंगे, पढ़ना सीखने के लिए बच्चे को सफल बनाएंगे, और पढ़ना सीखने की जो शुरुआती चरण हैं, वर्णमाला हुआ, प्रतीक हुआ, या जो भी रटकर कौशल हुआ, पढ़ने का प्रवाह हुआ, क्षमता हुई,
कोडिंग प्रक्रिया हुई, इनके माध्यम से हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप यानी कि पहले हम शब्द को पढ़ना, उसके बाद उससे एक वाक्य को बनाना और वाक्य से फिर एक लाइन को बनाना, ऐसे करके हम बच्चे को एक सीक्वेंस से सिखाएंगे जिससे कि बच्चे का संज्ञानात्मक ध्यान जो है वो बढ़ेगा, बेहतर होगा। इसके बाद में हम बच्चे को लिखना सिखाएंगे, लिखना सिखा सकते हैं यानी कि जो भी हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं इनका अगर सूक्ष्म गामक कौशल अगर बेहतर है, यानी कि अगर इनका हाथ और आँख का समन्वय सही है और हाथ की जो ग्रिपिंग है वो बिल्कुल सही है, तो इन बच्चों के लिए हम लोग भौतिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके इनको हम लोग लिखना सिखा सकते हैं। इसके लिए बच्चे के लिए टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं, बच्चे को देख देख करके भी लिखना सिखा सकते हैं। जब बच्चा इन सभी चीज़ों को करना सीखेगा तो बेहतर रूप से कार्य को कर पाएगा और जो भी शैक्षणिक बाधाएं आ रही हैं सहायक प्रौद्योगिकी या तकनीकी के द्वारा हम उस कौशल विकास को बच्चे को बढ़िया बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए दृश्य मोटर कौशल का भी समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को गणित का ज्ञान कराया जाएगा। गणित का ज्ञान कराने के लिए हम कह सकते हैं कि बच्चे में जब गणित का ज्ञान कराया जाएगा तो तर्क संगत बढ़ेगी, बच्चे में दृश्य उपकरणों के माध्यम से भी गणित का ज्ञान कराया जा सकता है, मौखिक निर्देश भी दिए जा सकते हैं और जो भाषा की शब्दावली है उसका विकास किया जा सकता है, गणितीय शब्दावली इसको जटिल और बेहतर बनाया जा सकता है। इसका उपयोग जो है वो प्रशिक्षण के दौरान या रोज़मर्रा की बातचीत के दौरान संख्या के मौखिक शब्दावली और प्रतिनिधित्व अभिव्यक्ति के साथ साथ अंकों के रूप में प्रतीकात्मक चीज़ों का प्रयोग करके, या हम कह सकते हैं कि बच्चों की सीखने की क्षमता को पेंसिल के माध्यम से या बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल को प्रतीकों के माध्यम से हम लोग उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मौखिक रूप से समझने में जिन्हें कठिनाई होती है, उन्हें हम लोग दृश्यात्मक रूप से समझाएंगे और बच्चे को समायोजित करेंगे। इसके लिए बच्चे का मूल्यांकन भी किया जाएगा, जीवन यापन के जो भी कौशल होंगे उनकी आवश्यकता क्या है, उन रोज़गार की आवश्यकता कैसे होगी, बच्चे का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, गरिमा, इन सभी चीज़ों को बढ़ाया जाएगा और सकारात्मक रूप से जो पहचान होगी उसको उसका विकास किया जाएगा। चाहे वो बच्चा पूर्व प्राथमिक स्तर पर हो, बच्चे को जागरूकता दिलाएंगे, या बच्चा इंटरमीडिएट स्तर पर हो या हाई स्कूल स्तर पर हो, उनको हम उनके सुरक्षा कौशल, आत्मनिर्भर कौशल, आत्म साक्षरता कौशल, या हम कह सकते हैं मापन, धन हुआ आपका, इन सभी चीज़ों से हम लोग परिचित कराएंगे जिससे कि बच्चा त्रुटियों को कम करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेल्फ एडवोकेसी की। 3.5 में आपका क्या है, स्वयं वकालत। ये आपका ऐसे बना लीजिएगा 3 स्टार, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ एडवोकेसी है ना, स्वयं वकालत, स्वयं वकालत। तो कहेंगे कि जो भी स्वसमर्थन में यह जानना शामिल होगा कि वांछित लक्ष्यों पर बातचीत करने के लिए कब कैसे दूसरे के साथ संपर्क करना है, स्वयं की बात को कैसे रखना है, स्वयं को पूर्ति और उत्पादकता को कैसे प्राप्त करना है, लक्ष्यों तक कैसे पहुंचना है, और स्वसमर्थन में अक्सर स्वयं के बारे में चीज़ों को समर्थित करना, दूसरे शब्दों में यह समझने के लिए आवश्यक होगा कि कह सकते हैं ऑटिज़म क्या है, इसका समर्थन क्या है और इसका आवास क्या है, इन चीज़ों को बेहतर बनाया जाएगा। आदर्श रूप से जो बच्चे हैं इनके लिए समर्थन के आधार पर सफलता को बेहतर करना, सफल बनाना, आत्मसमर्थन
बच्चे का प्रकट करना और जो जागरूकता है उसको बेहतर बनाना। ASD वाले जो हमारे बच्चे हैं, इनको यह समझने की ज़रूरत होगी कि पर्यावरण के साथ में उनके बातचीत के कौशल को प्रभावित किया जाएगा, उनकी ताकत को बढ़ाया जाएगा और उनकी ताकत के साथ साथ माता पिता को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि भविष्य की जो शैक्षिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं वो प्रभावी ढंग से बच्चे को बता सकें और पढ़ा सकें। इसके लिए सेल्फ टीचिंग होगी, टीचिंग जो होगी वो भी कैसी होगी, सेल्फ होगी और सेल्फ एडवोकेसी की जाएगी, यानी कि जो ऑटिज़म बच्चे हैं इनके लिए सामाजिक कौशल और जो भी आपका असाध्विक संचार कौशल है इसको बढ़ाने के लिए बच्चे का सेल्फ टीचिंग की जाएगी और सेल्फ एडवोकेसी भी की जाएगी। इसमें कौशल क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जो भी IP वगैरह हैं इनका उपयोग किया जाएगा, वयस्कों को पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे और जो भी कौशल है इनको बेहतर बनाया जाएगा, यानी कि आत्मसमर्थन के लिए कह सकते हैं जो भी बच्चे का ऑटिज़म बच्चा है इसका उपयोग किया जाएगा, बच्चे का वयस्क को वयस्क बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए या पर्यावरण के आवास कैसे बेहतर किए जाएँ, कैसे बच्चे के लिए चीज़ों को समर्थित किया जाए। ASD वाले जो बच्चे होंगे इनके व्यक्तियों के जो अधिनियम हैं इनको कैसे पारित किया जाए, इसमें सामाजिक सहभागिता भी बहुत ज़रूरी होगी, समाज का योगदान भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि समाज में ही बच्चा एक अच्छी गुणवत्ता को प्राप्त कर सकता है। और जो भी आपके ऑटिज़म बच्चे हैं इनका सामाजिक जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे ऑटिज़म के कारण समाज से अलगाव महसूस करते हैं, अलगाव रखते हैं। समाज की सामुदायिक भागीदारी भी होना जो बहुत ज़रूरी, और जो भी ऑटिज़म बच्चे हैं नए अनुभव को कैसे प्राप्त करें, वातावरण को सामान्य कैसे बनाएं या दैनिक जीवन के जो गतिविधियां हैं उनमें कैसे भाग ले सकें, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामाजिक सहभागिता के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि वो चीज़ों को अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि अपने भारत में, चाहे वो ऑटिज़म बच्चा हो तो उसको भी एक समाज में रहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि ऑटिज़म बच्चे के लिए अगर हम कहें नागरिक अधिकार तो कहेंगे वे उनके लिए नागरिकता का कानून होना चाहिए। जो भी अस्पृश्यता है, अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता को दूर किया जाए, यानी कि जो भी हमारे ऑटिज़म बच्चे हैं या कोई भी ऐसे बच्चे हैं जिनमें छुआछूत हम लोग मना रहे हैं तो उसके लिए है ये। ऐसे ही कहा गया कि जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं आर्टिकल 24 में, इनके काम करने पर जो था उसको काम करना जो था 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं इन पर प्रतिबंध किया गया, यानी कि बच्चे को काम करने से रोका गया 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के कानून के अंतर्गत लाई जाएंगी और बच्चे के लिए कह सकते हैं सुविधाएं प्राप्त कराई जाएं, बच्चे के लिए स्वास्थ्य बीमा, आवास और स्कूली शिक्षा भी दी जाए, बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि आपका एक एक्ट आया था जो आपका NTA एक्ट था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट था, NTA एक्ट, उसमें भैया ज्ञान प्रभा हुआ है ना, या कह सकते हैं शशि प्रभा हुआ, तो इन सभी योजनाओं को यहाँ पर लागू किया गया था, उनका पाठ्यक्रम बनाया गया था और जो भी आपके 6 से 18 वर्ष के बच्चे थे इनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, बच्चे के मनोरंजन जीवन जीने के कौशलों का भी विकास किया गया था, पढ़ने लिखने के कौशल या कह सकते हैं रुचियों को विकसित करने के कौशल, तो इन सभी कौशलों का विकास किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि ऑटिज़म बच्चों को के लिए जो सेल्फ एडवोकेसी है, या जो हमारे ये बच्चे हैं ये अपना स्वयं वकालत कर सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं, नागरिक अधिकार इनका क्या है, आवश्यकता और मनोरंजन के कौशल इनके कौन कौन से थे, इसमें अब आपकी बात कर ली गई। तो दोस्तों एक बार वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, आवाज़ धीमे आ रही है इसका मतलब यही है कि आवाज़ हमारी सही नहीं है, गला काफ़ी बैठा हुआ है।
मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।